अच्छा जी, देख लेते हैं, अगर रिकॉर्ड हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर खूब समझिएगा। क्वेश्चन नंबर टू बेटा, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर टू कर वो पढ़ लें, क्या कह रहा है? 6, 7, 8 आगे क्या है बेटा? 3, 4, 5, 2, 3 और वो कहता है विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड नहीं करना, बाय रो हम लोगों ने किया था, बाय कॉलम किया था, एक्सपेंड नहीं करना, और आप लोगों ने इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखा करें, क्या कोई चीज आइडेंटिकल बन सकती है किसी को नफी जमा करने के बाद? पहला क्वेश्चन मैं आपको जल्द से जल्द करवा देता हूं, देखिए बेटा, शाबाश, 7 - 6 करते हैं, क्वेश्चन को समझने हल करने का तरीका सब समझ लीजिएगा। 6, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 कैसे, मैंने क्या किया यहां बताना है आप लोगों ने, कॉलम टू में से माइनस कॉलम वन किया और कॉलम थ्री में से कॉलम टू किया, तो आप लोगों के पास आ गई। तो बाय प्रॉपर्टी के एनी टू रो और कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा? ये आपका आंसर हो, समझ रहे हो? इसका सेकंड पार्ट देखें, इधर 8 होता तो जब होगा तब देखूंगा, तो और तरीका होगा, देखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सेकंड गौर कीजिएगा, खुद बताने की कोशिश कीजिएगा। जी क्या है बेटा? 2, 3 - 1, एक बच्चा बता दे प्लीज, 110 लिखे, 1, 1, 0, 2 - 3 और 5, कोई से दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल करना है, गौर करें, कॉलम 2 - अच्छा क्या होगा? चले अच्छा चले ये तो आ गया, कोई और हो सकता है? चले देखिए, और लेट्स सपोज ये याद ही ना रहे हमें, कुछ और हो सकता है, गौर करें, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है इरफान का, कि 3 - 2 करेंगे, गलत आ गया, चले और बताएं। अच्छा इसको उलट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए हाँ, कॉलम 1 - कॉलम 2 कर दें तो आप लोगों के पास आंसर ठीक आता जाएगा, इस जैसा कॉलम आ जाएगा। मैं कहता हूं आप लोग थोड़ा सा डिफरेंस सोचे, क्या रो सेम हो सकती है? देखिए किसको प्लस करें, इसको इसमें प्लस कर दें, रो 3 को 2 में प्लस करने से, गौर करें, तो ये तो 3 बन जाएगा, तो कहीं आगे 3 होगा, दूसरी मर्तबा भी सोच सकते हैं, चले ये 3 हो जाएगा, मैं इसको इसमें जमा कर दूं, ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये -4 या -2 बच जाएगा, तो मसला हल नहीं हो रहा। कुछ और सोचें, रो 2 को रो 3 से माइनस करते हैं, चले फिर क्या बनेगा? 2, 3 - 1, रो 2 को रो 3 से माइनस करें, कॉलम 2 और 3 नहीं, वो कॉलम वाइज तो होता है, सारी चीजें हो रही है, मैं कहता हूं क्या रोज वाइज होती हैं, हम इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं। जी रो वाइज हो रही है, देखिएगा, नहीं हो रही, चलें जी, वो कहते हैं 2, 1, 2 क्या करें बेटा, किसको यहां बता दें क्या करना है? कॉलम 1 - कॉलम 2 करें,
तो फिर तो यहां लिखना पड़ेगा। कॉलम टू माइनस कॉलम वन करें जी, क्या करते हैं? थ्री माइनस टू वन जी, जीरो बेटा ये बनेगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, माइनस थ्री फिर माइनस टू माइनस फाइव आ जाएगा। मसला हल हो रहा है? फिर क्या करें? जी कोशिश करें, कोशिश करें। कॉलम वन में इसको खत्म कर दूं जी, अब बताइए। अच्छा जी, कॉलम वन माइनस कॉलम टू जी बेटा, माइनस वन जीरो फाइव आएगा, टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा फाइव आ जाएगा, तो थ्री वन माइनस थ्री माइनस वन जीरो और फाइव। तो कौन कौन से आइडेंटिकल हैं? तो इसकी वजह से इसका डिटरमिनेंट जो है। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर टू का कोई ऐसा पार्ट जो आपको मुश्किल लग रहा हो वो बताइए। आखिरी है, बाकी सारे मैंने खुद करवा दिए सदके ना करो। अच्छा जी, ये वन टू थ्री वाला बेटा, अच्छा यहीं से करवा देते हैं। देखिए वन टू थ्री है तो टू सी टू माइनस सी वन कर दें, सी थ्री माइनस सी टू कर दें, आइडेंटिकल आ जाएगा। देखिए सी टू माइनस सी वन कर दें, टू माइनस वन फाइव माइनस फोर, टू माइनस वन थ्री होता है, किसने कहा? वन 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 सी थ्री माइनस, तो ये भी आप लोगों के पास सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, वो कहते हैं इसके मुताबिक आपने करना, ये करवा दूं पहला पार्ट। चलें जी, करना क्या है खुद देख लीजिएगा, बताइएगा बेटा। अच्छा ए वन वन ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री प्लस अल्फा जी, ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री प्लस अल्फा, ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री प्लस अल्फा। अच्छा अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे एक्सपेंड करूं, अगर मैं इसको कहता हूं एक्सपेंड बाय रो टू, तो कहां से शुरू करूंगा? ए टू वन से, रो टू, ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, सी वन सी टू, और अगर मैं इसको कहूं कि मैं रो टू से इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, यहां आंसर क्या आएगा? ए गलत होगा, गलत होगा, गलती नोट करें जल्दी से, आर टू से। आप कह रहे हो कि सर इस तरह करने के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ए वन टू ए वन थ्री प्लस अल्फा और ए थ्री टू ए थ्री थ्री प्लस अल्फा। मैं कहता हूं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन कोशिश करें गलती कहां से ढूंढे। ये ऐसा पॉइंट है, अक्सर बच्चे यहां गलती करके जाते हैं। बेटा गलती क्या है, कैसे बताए इसको, इसको माइनस कैसे आता है? एनीवन जी बेटा, शाबाश। वैसे भी याद रख ले, ये प्लस माइनस 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 माइनस, जहां से मर्जी आ जाए ये माइनस आएगा, माइनस ये माइनस आएगा। तो को फैक्टर हम रादर के माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस वन लिखे, तो ये आप लोगों के पास मसला, ठीक है? तो ये पॉइंट समझाना था, अक्सर बच्चा यहां गलती करता है। इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं कॉलम थ्री से,
एक्सपेंड करते हैं सी थ्री से, तो बेटा क्या आएगा, ए वन थ्री प्लस अल्फा वन थ्री, और इसके साथ क्या आएगा, ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, जी माइनस आएगा, ये आ जाएगा आपके पास क्या बेटा, ए टू थ्री प्लस अल्फा, जी क्या आएगा, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये आपके पास आएगा ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन ए थ्री टू, जी नेक्स्ट ए थ्री थ्री प्लस अल्फा थ्री थ्री, और आपके पास क्या आएगा, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, नेक्स्ट क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर ले, आपने करना है ए वन थ्री, मैं यहाँ खाता बना देता हूँ, लिखना खुद है, और बेटा ये वाला खुद लिख लीजिएगा यहाँ पे, फिर प्लस आ जाएगा अल्फा वन थ्री, दोबारा ये वाला लिख लीजिएगा, माइनस ए टू थ्री आएगा, ये लिख लीजिएगा, माइनस अल्फा टू थ्री आएगा, ये लिख लीजिएगा, प्लस ए थ्री थ्री आएगा, ये आ जाएगा, और प्लस अल्फा थ्री थ्री आएगा, ये चीज आ जाएगी। इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो मैंने सिंपली इसके साथ वाला यहाँ पेस्ट किया। अब गौर से देखिएगा, नेक्स्ट में आप लोगों ने क्या करना है, ए वाली वैल्यू इकट्ठी कर लीजिएगा, ए वाली, तो अगर मैं ए वाली वैल्यू इकट्ठी करूंगा तो ए वन थ्री माइनस ए टू थ्री प्लस ए थ्री, इनके साथ आएगा ए, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, तो आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो यही चीज बनती है, देखिएगा ए वन थ्री क्या आएगा बेटा, ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, फिर आएगा माइनस ये वाला ए टू थ्री, तो आपके पास क्या आएगा, ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन ए, वॉइस आ रही है, चलेंगे, और समझ आई, दो बच्चे कहते हैं यस सर, और उन्हीं दो का ही टेस्ट ठीक हो रहा होता है, जो कहते नहीं है यस सर उनका क्या करूं मैं। अच्छा अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार समझ नहीं आ रहा, मैं नोट्स से देख लूंगा, अच्छा यार समझ नहीं आ रहा, मैं किसी से पूछ लूंगा, अच्छा आज समझ नहीं आ रहा कल समझ लूंगा, ये सरासर गलती पर हुआ। आज समझ नहीं आया तो बेटा आज समझ के जाओ, अदरवाइज आप लोग नहीं समझ पाओगे, ध्यान में रखिएगा। चले जी नेक्स्ट, आजादी हो गई, अच्छा बेटा वो एक ही पहला क्वेश्चन तो किया हुआ था आप लोगों ने, आसान था पहला सवाल क्वेश्चन किया नहीं था वो आप लोगों ने, एम सी क्यूज भी यार कौन सा मैंने दिया, कौन सा तो बेटा ये तो प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं थी यार, बेटा देखें, अच्छा नेक्स्ट टाइम आप लोग मुझसे जब भी पूछोगे तो मैं कहूंगा लास्ट वीक जितना पढ़ा हुआ है, ये तो गलत बात है, मैंने चलें जी नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा बेटा
इसका सेकंड पार्ट है 2323915061=9 एंड समथिंग, और कीजिएगा, यहीं से खत्म करवा देता हूं। बल्कि इसका एक कंसेप्ट बताना है मुझे आपको, क्या है बेटा बताइएगा, 2 0 3 9 6 2 15 और 1 9 है, यहां ये वाला 1 है, यहां 9 है, ठीक है, चलें जी। और इज इक्वल टू आप लोगों ने 9 और समथिंग करना है बेटा, आप लोगों ने ना सबसे पहले 3 कॉमन लेना है, तो यहां लिखना है टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम, चलें जी आर 2 से ले लेते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 3 0 इसका 3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 3 2 2 15, और हमने कुछ नहीं करना बाकियों के साथ। ये मसला है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में, अगर किसी एक रो से एक चीज कॉमन ले रहे हो तो बाकियों को नहीं छेड़ना है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट दोबारा 3 कॉमन लें, किस से, कॉलम 2 से, तो ये क्या बनेगा, 2 1 1 1 2 और 2 5 1। तो आप लोगों के पास है मल्टीप्लाई बाय 3, ये पहले 3 था, दोबारा 3 कॉमन लिया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आप लोगों के पास आ जाएगा 9 और आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे क्या हुआ, तो बेटा ये सबसे आसान है, क्यों, इट रिक्वायर्ड जस्ट प्रैक्टिस, आई प्रॉमिस। अच्छा अब तुम फिर आप लोगों को बेटा एक बात जहन में रखें, आप अपने जिम्मे कुछ लेंगे ना फिर चैप्टर 3 खत्म होगा, 3 खत्म होते हुए पूरा महीना लग जाएगा, फिर कुछ चीजें अपने जिम्मे लें कि सर ये हम करके आएंगे। क्या करूं फिर। अच्छा क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट देखें, इसको करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट, क्या करें, आप लोग ना मुझे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहे हो, मुझे हर पार्ट करवाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चा आप लोगों का कोर्स रह जाएगा, फायदा नहीं है बेटा। मैंने तो हर मशक का हर सवाल मुझसे करवा रहे हो आप, एक मशक से एक करवा दूं, इतना नहीं जी, बताइएगा बेटा, और कीजिएगा, और कीजिएगा, ए प्लस एल ए ए ए ए प्लस एल ए ए ए प्लस एल का किसके इक्वल है, इनटू 3a+l के इक्वल। अच्छा जी इधर देखें यार, बोर्ड मार्कर नहीं है ठीक, ये दिख भी नहीं रहा है। आज ना फुरकान का और हुजैफा का पढ़ने का बिल्कुल मूड नहीं, कैन यू बिलीव। चले तो गौर कीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन करके खत्म कर देते हैं, कोशिश करें, C1, C2 और C3 को जमा करें तो आपके पास क्या बनेगा, 3a+ और ये आपके पास a है, a है 3a+, ये आपके पास है a+l और a जी, 3a+l और आपके पास a है और a+l। अच्छा एक बात और से सुनिए, मैं यहां बताता हूं ना, मैंने क्या किया, कॉलम 1+ कॉलम 2+ कॉलम, एक बात और से देखिएगा, अगर मैं यहां लिखता ना बेटा C2+C1+C3 तो ये एक बात ना होती, इसका मतलब है मुझे कॉलम 2 चेंज करना पड़ता, ठीक है, ये वाला ये वाली गलती ना कीजिएगा लिखते हुए भी।
तो आप लोगों के पास है ए ए ए, थ्री ए बन जाएगा और प्लस एल। सब में देखें थ्री ए है प्लस एल, थ्री ए है और प्लस एल है। चले जी, वो कहता है थ्री ए प्लस एल कॉमन ले ले, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, थ्री ए प्लस एल जो है मैंने कॉमन लिया, ये बन गया वन। इसको सिंप्लीफाई क्यों कर रहा हूं, जो क्वेश्चन था वो आप लोगों ने दरमियान में रह गया। बेटा मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकता हूँ, क्योंकि आगे एक्सपेंड वाला क्वेश्चन है आंसर, लेकिन ये इतना लेंथी हो जाएगा और हम मिलकर भी इसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं अगर करूं a प्लस एल इन टू, तो a प्लस एल मल्टीप्लाई बाय a प्लस एल माइनस a मल्टीप्लाई बाय, और अभी a प्लस एल बाहर है जो बाकी आकर के दोबारा मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप लोग जैसे भी इस तरह के क्वेश्चन हो उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ वन वन लेकर के आए, और उसके बाद एक्सपेंड ही करना है, इन दोनों को जीरो बना दें, इन तो दोनों को जीरो बना दें या इन दोनों को जीरो बना दें, आपकी अपनी मर्जी है। चलें जी, नीचे वालों को अगर जीरो बनाएं तो क्या करना पड़ेगा, ये खत्म कर देता हूं, क्या करना पड़ेगा, ये एज इट इज लिखने दें, तो आपके पास है ए वन ए और ए। तो मैंने क्या किया आर टू माइनस आर वन, तो ये बन गया आर टू माइनस आर वन, ए प्लस एल माइनस ए एल जी, नेक्स्ट जीरो, आर थ्री माइनस आर वन जीरो, फिर आप लोगों के पास आएगा फिर एल, और आप लोगों के पास यहां थ्री ए प्लस एल जो है वो है पड़ा। अब आप लोग एक्सपेंड कर दें बाय सी वन, तो बेटा इसी से एक्सपेंड होगा, बाकी तो जीरो जीरो है, तो आंसर तो एक ही आप लोगों ने करना है। जी बेटा आपके पास है थ्री ए प्लस एल, अब एक्सपेंड बाय सी वन, तो ये कॉल रो खत्म हो जाएगी, ये कॉलम खत्म हो जाएगा, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर और माइनस, तो आप लोगों के पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड करता है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री का हर पार्ट आपके जिम्मे। देखें पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, प्रैक्टिस करनी है जाकर। अच्छा आज हर बच्चा पढ़ने का मूड पता क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड से इंडिया नहीं 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 जलील हुआ है। अगर कल पाकिस्तान नबीबिया से हारता है ना, अगर कल पाकिस्तान नबीबिया से हारता है, और नबीबिया से हारना बनता भी है, तो इंडिया बाहर, अफगानिस्तान के भी लग जाएंगे, वो भी बाहर जा सकता है। मुझे हत्तुल इमकान, बल्कि बेट लगा लो, नबीबिया इंडिया से जीत जाएगा, आई प्रॉमिस। इंडिया के हालात रात के मैच में कितने खराब थे, क्लब क्रिकेट के बच्चे लग रहे थे, बैट उनका सीधा ही नहीं पड़ रहा। अच्छा शक्लें देखो, रोने वाली, रोने वाली शक्लें उनकी,